बिहार स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर पीजी की फीसेस काफी कंट्रोल है। वहाँ की गवर्नमेंट ने पीजी की फीसेस को काफी कंट्रोल करके रखा है, तभी बच्चे सभी वहाँ पर टारगेट करते हैं अपनी ब्रांच के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम ब्रांच का जो सपना है वो कंप्लीट हो जाए और बजट भी आपका कम है, तो आप बिहार स्टेट को टारगेट में जरूर रखिए। चलो बात करते हैं बिहार में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीसेस क्या है। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर शबनम, MD शिक्षा में, आप लोगों की मेडिकल एडवाइजर। तो DA डॉक्टर्स, बिहार में जो मेडिकल कॉलेज है कटिहार मेडिकल कॉलेज, यहाँ की जो MD मेडिसिन की फीस है 23,25,000 है और हॉस्टल सभी ब्रांचेस के लिए आपका 3 लाख पर एनम रहेगा। मिसलेनियस आपका 50,000 रहेंगे। सिक्योरिटी रिफंडेबल आपका 3 लाख रहेगी। आप याद रखना, सिक्योरिटी आपकी 1 टाइम जाएगी जो आफ्टर 3 ईयर आपको रिफंड होगी। हॉस्टल आपका 3 लाख पर एनम जाएगा और मिसलेनियस आपका 50,000 पर मंथ जाएंगे। फीसेस सब ब्रांचेस की अलग अलग रहेंगी। MD मेडिसिन 23 लाख 25,000 है। MD पीडिया 35 लाख 30,000 है। MS ऑर्थोपेडिक 35 लाख पर एनम आपको पे करना है और OBG के लिए 40 लाख पर एनम है। एनेस्थीसिया 14 लाख 60,000 है। OBG का जो है यहाँ पर पेशेंट फुटफॉल भी अच्छा है और इसकी फीसेस देखो आप कंपैरिजन अदर ब्रांचेस से काफ़ी हाई हैं। आपका डर्माटोलॉजी की जो फीसेस है काफ़ी कंट्रोल है, 30 लाख पर एनम है। अगर आप और स्टेट वाइज देखेंगे तो आपको 30 लाख पर एनम आपको डर्मा की फीसेस कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं जल्दी से। जनरल सर्जरी के लिए 23 लाख 25,000 आपको पे करना है। रेडियो डायग्नोसिस जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच है और इसकी फीसेस थोड़ी सी हाई है, 45 लाख पर एनम पे करना है। सेकेटरी के लिए आपको 15 लाख 10,000 जो कि काफ़ी अंडर कंट्रोल है। ENT आपका 11 लाख जाएगा और ऑप्थाल्मोलॉजी आँखों के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 15 लाख आपकी फीसेस रहेंगी। पैथोलॉजी ब्रांच आपके लिए 5 लाख पर एनम है, यानी काफ़ी कंट्रोल है। पैथोलॉजी बच्चे काफ़ी लेट में चॉइस में रखते हैं, लेकिन अगर आपका ड्रीम है तो आप इसको रख सकते हैं जो कि आपको ओनली 5 लाख पर एनम में आपको मिल जाएगा। अगर आपका लो रैंक है तो कटिहार मेडिकल कॉलेज में PG के लिए आप NRI कोटे को टारगेट कर सकते हैं। NRI कोटे में कौन सी ब्रांच की क्या फीस है, चलो चलते हैं उस फीस की तरफ। MD मेडिसिन को टारगेट कर रहे हैं तो 44,300 पर एनम आपको पे करना है डॉलर के लिए। डॉलर का रेट जो भी उस टाइम रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। MD PDIA आपका जाएगा 55,650 पर एनम। आपका ऑर्थोपेडिक के लिए 56,960 पर एनम फीस है आपके डॉलर में जो देना है आपको। OBG के लिए 63,200 आपको पर एनम डॉलर में फीस पे करना है। एनेस्थीसिया आपका 23,100 आपका रहेगा और आपके डर्मा की जो ब्रांच है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसको टारगेट कर रहे हैं, तो 56,630 आपको डॉलर में पे करना है। जनरल सर्जरी के लिए 44,000 डॉलर आपको एवरी ईयर पे करना है। ये फीसेज आपको टोटल 3 ईयर्स तक पे करनी है। MD रेडियो डायग्नोसिस जो कि बच्चों का बहुत ही अच्छा डिमांडिंग ब्रांच है, रेडियो हर कोई बनना चाहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ्टी वाइज रिलैक्सेशन के साथ इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट फुटफॉल का प्रेशर नहीं रहता है। अगर आप चाहते हैं कि रेडियो डायग्नोसिस करना है तो इसके लिए आपको 88,600 पे करना पड़ेगा डॉलर में लिए, यानी कि अगर मैं सभी ब्रांचेस की बात करूं तो डॉलर में रेडियो डायग्नोसिस की सबसे ज्यादा फीसेज है। कटिहार मेडिकल कॉलेज में PG करते हुए आपको जो स्टाइफंड मिलने वाला है, बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट है कि वो स्टाइफंड कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर में आपको DA मिलेगा। कटिहार मेडिकल कॉलेज का जो स्टाइफंड है 68,545 आपको एवरी ईयर मिलेगा फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा अपने स्टाइफंड में, 75,399 आपको एवरी ईयर मिलेगा जो कि आपको सेकंड ईयर में मिलेगा। बात करते हैं थर्ड ईयर में आपको क्या स्टाइफंड मिलेगा। थर्ड ईयर में आपको 82,938 आपको स्टाइफंड मिलेगा, यानी कि स्टाइफंड को अगर हम देखें ओवरऑल स्टेट में तो ठीक है, काफी अच्छा है। अगर हम इसको देखें टोटल बिहार में कटिहार मेडिकल कॉलेज ने आपको 3 सालों में कितना स्टाइफंड दिया है, तो 27,22,584 आपको जो है 3 साल में मिला है।